Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya menjumpai special di saat ini. Wakil Mispah, Hafiz, Nasir, Mikhas. Nazirin, musafir ini ऐसा fun है जिसके जरिए एक artist अपने ख्यालात, अपने एहसास, जज्बात को एक तस्वीर की शक्ल में धार देता है और मुआशरे के अंदर होने वाली बुराइयाँ, अच्छाइयाँ और खूबियों को इस अंदाज के साथ, इस खूबसूरती के साथ एक पेपर पर इस अंदाज के साथ ड्रा करता है कि देखने वाला उसको देखता रह जाता है। आज इसी सिलसिले में हम अलहमदा आर्ट कौंसिल के अंदर मौजूद हैं और जहां पर मुख्तलिफ आर्टिस्ट की जानिब से मुख्तलिफ तरह की तस्वीरें, फनपारे अवेजा की गई हैं और हम आपको फनपारे दिखाएंगे भी और उन आर्टिस्ट से मुलाकात भी करवाएंगे जिन्होंने यहाँ पर अपनी मेहनत और काबिशों से इस फनपारों को तैयार किया है। नाजिम मुसफरी क्या है? मुसफरी के बारे में लोगों की क्या राय है, लोग मुसफरी को किस नजर से देखते हैं, इस बारे में जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं लोअर अवेयरनेस की चेयरपर्सन मैडम रूबा मायू। इनसे बात करता हूं और जानता हूं कि वो मुसफरी को किस नजर से देखती है। मेरी अचानक अभी आपका नजर पड़ी है और आपका मैंने बड़ा नाम सुना है और आपके मैंने शोज भी देखे हैं, आप वेलफेयर के बारे से काफी काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक आप यहाँ पर आए, किस मकसद के लिए आप रही हैं, क्या सोच के आए हैं? ये जो पेंटिंग की एग्जीबिशन है मेरी बेटी की है, राज्य से कर रहे हैं, तो वो देखने के लिए आज उसकी ओपनिंग थी, उसने मुझे बड़ी खुश कर दी थी, देखिए वो इतने पैशन से ये काम करता है, उसका ये पैशन है, तो वो कहीं कहीं घूमने लगा के एक पेंटिंग बना। अच्छा, वो आपका बेटा है, इस तरह से मतलब आप इंटरेस्ट ले रही है कि मतलब ओवरऑल मतलब आपको ये चीज़ अच्छी लगती है? इस तरफ आपने अपने बच्चे को तवज्जो दी उसका कि मतलब आप इस तरफ लाइन में जाओ या उसका अपना पर्सनल आप जैसे कि आप बता रहे मतलब चाहे बचपन से ही मतलब उनका इस तरफ ध्यान था, शौक था, तो मतलब माँ बाप की तरफ से कुछ रुकावट होती है कि बेटा ये कोई काम नहीं है, कोई नहीं, ठीक है ना, तो आपकी तरफ से कोई मतलब कोई रुकावट, कोई परेशानी, कोई टेंशन तो नहीं थी बच्चों को? लेकिन अपना जो प्रोफेशन है वो किसी और चीज़ को आप बनाओ जिसमें, लेकिन वो क्योंकि बॉर्न आर्टिस्ट है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा जज्बा और बहुत पैशन है, तो उसने हमें कहा कि हम मैं ये करना चाहता हूँ, तो फिर हमने भी कोई रुकावट नहीं करा, ये बच्चा करने ही कोई चाहता हूँ, तो फिर उसे अब आपको कैसा फील हो रहा है कि आपकी पेंटिंग यहाँ पर एग्जीबिशन है और आप उसके फनपारे देख रहे हैं और अपने बच्चे के फनपारे देख कर एक माँ को कैसा फील हो रहा है? मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है उसकी हर पेंटिंग उसकी कहानी होती है कि ये इस पेंटिंग को मैंने बना के क्या बताने की कोशिश कर रहा है, और इस तरह से मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो कोई ना कोई आइडियाज भी लेकर, तो सिर्फ पेंटिंग बनाए शौक या वो ऐसे टाइम पास नहीं है, बल्कि वो कोई बात उसकी होती है कि वो ये चीज़ इस तरह से बताई जाए और उस चीज़ को आगे लेके चलना चाहिए। आप पेरेंट्स हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर बच्चों के अंदर इस तरह की अगर एक्टिविटी जन्म ले रही है, परवान चढ़ रही है, तो क्या माँ बाप को मना करना चाहिए कि भाई बेटा ये काम आने वाले वक्त में या फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि अभी आप बता रही हैं कि मैंने अपने बच्चों को टोका टोका नहीं है इस हवाले से, तो आप क्या माँ बाप को मैसेज क्या देना चाहेंगे कि बच्चे कुछ भी करना चाह रहे हैं तो सीखने का मौका मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह की मतलब पॉजिटिव एक्टिविटी के हवाले से? लोग अपने बच्चों को इनकरेज करते हैं कि जो करना चाहते हो ना उसमें आगे बढ़ो और सीखो, और उस चीज़ में फिर जाहिर है जिस चीज़ का इंसान को शौक होता है ना उसमें वो तरक्की के बहुत सी मंजिलें तय करेगा, लेकिन अगर उसके ऊपर इम्पोज किया जाए पढ़ो पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, तो वो चीज़ें बड़ी मुश्किल है कि बच्चा किसी इम्पोज चीज़ के साथ कर सके, उसके अंदर जो जज्बा भी होना चाहिए, शौक होना चाहिए, तो फिर उसके बाद उसको रास्ते आसान करके देना चाहिए, थोड़ा बहुत काम है, बाकी कहते हैं कि जिस काम के अंदर उकताहट महसूस हो रही हो और इंसान को काम कर रहा हो
लेकिन उस काम में मजा ना आ रहा हो, दिल ना लग रहा हो, तो ये काम उस बंदे के करने का नहीं। जिस काम के अंदर दिन दिन ना लगे, रात रात ना लगे, थकावट महसूस ना हो, और वो काम असल में उस बंदे के लिए, उस बंदे का करने वाला है। तो कहते हैं कि जब इंसान को जिस काम के अंदर शौक, जज्बा और बलबला नजर आ रहा हो, उस काम को हाथ डालना चाहिए। और यही वजह है कि कादी सिकंदर जैसा नौजवान वो ये जो मुसव्वरी है उसको अपनाए हुए हैं, और उनकी वालदा जो कि मेरे साथ मौजूद हैं, उन्होंने बड़े अहसन तरीके से अपने बेटे को गाइड भी किया, और आज उनका बेटा काजी सिकंदर एक मकाम पर मौजूद है। इसी एक पल में उनका मारा औरों के आंसू
दामन में भर ले, ये दुनिया हो जाएगी जन्नत और खुशियों का जन्नत। This song is special for some silvers, flying, whatever song. Yeah, donate your million, that's really fun. Thank you, sir. Positive. रोड पे मतलब ट्रैफिक थी ये तो आप ब्लॉकेज थी मतलब तो
उसी तरह की आप डेंसिटी को फील करेंगे टाउन के अंदर, ये जो आपको अर्बन लाहौर के अंदर ज़्यादा फील करने का सही ये 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 जो ये भी फंदा आपका ही है सही ये क्या है इस चीज़ को मतलब हाईलाइट कर ये कि जो जलूस के सीन होते हैं आपको लोकेशन अगर लाहौर के अंदर खासकर ये जो बड़े शहर है वहाँ पर देखने में मिलते हैं लाहौर का जो नौपुरा का मरकजी होता है इस्लामपुरा कृष्णनगर के अंदर तो उसके अंदर एक थोड़े से चबूतरे के ऊपर आप चढ़ के जो सामने एक कंजेशन नज़र आ रहा होता है कि जिस तरह आपको एक बिल्कुल सर 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 नज़र आ रहे हैं सही उस सीन को के अंदर से ये एक चैलेंज को कम इसके बारे में थोड़ा सा हमारे नाजुक को बताइएगा कि मतलब ये एक मुझे लग रहा है कि जो हमारे लाहौर का कल्चर है खासकर जो चीख चीख चुके लाहौर में बहुत चलता है और लेडीज मोस्टली पीछे जो चीज़ होती है वहाँ पर बैठती हैं तो आई थिंक ये उस चीज़ को मतलब दिखाया गया है तो ये है तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं तो बचपन से आपको उस चीज़ के अंदर एक झुकाव था लगाव था जी जी सही तो मतलब तब से आप मतलब एक होता ना कि इंसान उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं डॉक्टर बनूँ इंजीनियर बनूँ प्रोफेसर बनूँ लॉयर बनूँ ग्रेजुएट बनूँ मतलब किस तरफ क्या भी फैमिली के मेरी कोई ऐसा कुछ था मतलब कोई आपके पेरेंट्स की तरफ से कुछ इस तरह की चीज़ हो आपके वालिद की तरफ से या वालिदा की तरफ से बड़े जानकारी हुए उनमें से अगर चीज़ किस तरह का कुछ होता है फिर आपके अंदर ये चीज़ नहीं पाई जाती है ये तो बिल्कुल उसके अगेंस्ट है तो वैसे जो अपने ड्राइंग वगैरह में ज़्यादा फोकस रहता होता था ड्राइंग क्लास के अंदर नुमाइश में लगी हुई है अलहमरा आर्ट गैलरी में
ताकि वो उसको अच्छे तरीके से हमारे नाज़रीन को बता सके। तो यूजुअली लाइक जो उसको फोटोग्राफ करते हैं आपके सामने आते जाते होते हैं लोग और मशीन और बिल्डिंग आर्किटेक्चर, उसकी जो लाइट होती है और सड़क का जो कॉन्स्टेंट रन चल रहा होता है, उस चीज़ की फोटोग्राफी करते करते चले तो आप किसी तरह से किसी चीज़ को बोर्ड ढूंढ रहे होते हैं जो आपके इंटरेस्ट के साथ क्लिक करता हो, कि किसी तरह से आपका नैरेटिव उसके साथ बिल्ड हो जाए कि मैच हो जाए, यू नो। तो गाड़ियों में एक सौ फंस फंस के जा रहे थे तो एक पॉइंट आया कि दस बारह गाड़ी में ना रश था ऐसे ही ना, तो वो साइड से गुजरते गुजरते मैंने देखा तो ये ये जो है ट्रैफिक जब आपकी तरफ आ रही होती है तो मैं बेसिकली ना पिकअप के पीछे बैठा हुआ था तस्वीरें खींचना था से, तो उसमें सड़क आपकी साइड से बाइक्स वगैरह जा रहे थे क्योंकि हज़ार पंद्रह सौ तस्वीरों में से एक तस्वीर थी जिसमें देख रहे बिल्कुल एच टू एच एक बंदा था जो तस्वीर के कोने में था से लेके पीछे तक आपको आसमान नजर आ रहा था, तो इस तरह लग रहा था कि बड़ी येलो सी जी बिल्कुल कि मतलब डेंसिटी आर्मी पर्सनल
आपकी गाड़ियाँ जा रही होती हैं और आपको पीछे से फौजी जो होते हैं नज़र आ रहे होते हैं, वो अपनी बाइक के साथ अपनी सॉरी कार के साथ, तो ये एक्चुअली इंडिविजुअल तस्वीरें हैं जिनको फिर बाद में कैनवस के ऊपर इस तरह से कंपोज किया गया, तो इसकी इंटरप्रिटेशन आपके थ्रू हो सकती है कि ये दोनों एक्सप्रेस कम्पोज हो गए हैं, परेड जा रहे हैं, उनकी कॉम्पोस्ट हो गया, जो कुछ भी आप इसमें नैरेटिव अपना इन्वॉल्व करना चाहते हैं, बेसिकली इंडिविजुअल तस्वीरें हैं जी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान आप इस नासिर निहास को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के।